शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नियति, नियति क्या हुआ तुम्हें? नियति आंखें खोलो, नियति आंखें खोलो, नियति! वही रहना बेटा, हिलना नहीं। हम आ गए, देखो देखो नानू आ गए। नानू लाइट लेके आ गए। क्या बात है बेटा, आप तो डर गए हैं। कोई लाइट कोई पहली बार गई है? आप तो बिल्कुल बहादुर बच्चे हो ना एकदम। फिर अंधेरे से कैसे डर गए? बाबू मैं डरी नहीं। अरे फिर? मुझे खाली ऐसा लगा कि मम्मी किसी मुसीबत में है। नहीं बेटा, मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी, ओके? लाइट भी आ जाएगी और मम्मा भी आ जाएगी। डॉक्टर, डॉक्टर! इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। तुम्हारे पास नियति के घर का नंबर है ना? हाँ? तुम्हारे पास नियति के घर का नंबर है ना? तो मुझे लगा कि तो एक मिनट। तुम्हें डर लग रहा था अंधेरे से? अब तो लाइट भी आ गई और हमने सारे घर में तुम्हारे लिए दिए दिए जला दिए, रोशनी रोशनी, ठीक है? हाँ नाना जी, आपने अच्छा किया, ये दिया जला दिया। ये रे, तुम्हारी मामा का फोन भी आ गया। हाँ नियति बेटा, कहाँ है तू? हेलो अंकल, मैं हेलो पापा, मैं अंबर बोल रहा हूँ। कौन? पापा मैं अंबर बोल रहा हूँ। अंबर बेटा, तुमको सब याद आ गया? हाँ पापा, लेकिन मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकता। आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल? अंबर बेटा, लेकिन हॉस्पिटल क्यों और क्या? पापा प्लीज, इस पर कोई सवाल मत कीजिए, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए ना। नहीं बेटा, लेकिन हमें हॉस्पिटल जाना है फौरन। हॉस्पिटल? हाँ बेटा। क्यों नाना जी? लेकिन जिसका फोन आया था उसने कुछ बताया नहीं। चलो
बोलूं मैं तो कलेजा फूके, जो बोल दूं तो जबान जले है। सुलग न जावे अगर सुने वो, सुलग न जावे अगर सुने वो, जो बात मेरी जबान तले है। ना बोलूं मैं तो कलेजा फूके, जो बोल दूं तो जबान जले है। जब तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मुझे जब पता चला तो मैंने बताया तो सही, मुझे पहले से थोड़ी ना मालूम था कि वो लोग त्योहार के दिन ऐसा करेंगे। ना मुझसे पूछा ना मुझे बताया, तो मैं आपको क्या बताती? ये नहीं कि उन लोगों का पता करे आप बेकार में मेरी क्लास ले रहे हैं। मामी जी एक मिनट, मामा जी आप दोनों बेकार में ही इतना परेशान हो रहे, मैं एक बार दी और जीजू को फिर ट्राई कर लेता हूँ। हाँ देवांग बोलो। थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया। जी यहाँ पे मैं और बाकी सब कितना परेशान हो रहे हैं पता है आपको? आप भी घर पे नहीं हो और जीजू भी घर पे नहीं, और आप दोनों बिना बताए कहाँ चले गए? कहाँ पे हो आप इस वक्त? और इतने टाइम से आपका फोन क्यों नहीं लग रहा? देवांग मॉम को फोन दो। हाँ देता हूँ दी, लेकिन मुझे बताओ तो सही। देवांग मॉम को फोन दो प्लीज। ओके मामी जी आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ बेटा नताशा। अरे कहाँ चली गई तुम त्योहार के दिन? देखो ना मैं तुम्हारे पापा दुग्गू देवांग सब लोग कितना परेशान है। सिद्धार्थ और तुम कहाँ घूम रहे हो? वैसे तुम अभी कहाँ हो? मॉम मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ और सिट भी यही मेरे साथ है। सिटी हॉस्पिटल? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मॉम कुछ भी ठीक नहीं है, सिट की याददाश्त वापस आ गई। कृष्णा क्या हुआ? क्या हुआ कृष्णा? हेलो हेलो दी, काट दिया। क्या कहा नताशा ने? वो कह रही थी कि सिद्धार्थ की याददाश्त वापस आ गई। हमें अभी का भी हॉस्पिटल जाना होगा, गाड़ी निकाल। जी मामा जी। तुम यहाँ डुगू को संभालो और खुद को भी संभालो। ओके
प्लीज अंकल प्लीज मेरी बात पर विश्वास करके एक बार घर आ जाओ, अपनी बेटी से मिलो, उसे उसे गले लगाते तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारा खून है। अंबा मैं दिवाली वाले दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं आज छुट्टी तुम्हारा वेट कर रही हूं, तुम्हारा वेट कर रही हूं। मेरी आंखों में देखो आज भी इनमें सिर्फ तुम हो, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे अंबर नहीं। देखिए बार बार मुझे अंबर बुलाना बंद कीजिए, मैं अंबर नहीं मैं सिद्धार्थ हूं। डॉक्टर नियति कैसी है? देखिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है। देखिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और आप भी गॉड से प्रे कीजिए प्लीज। नियति, पापा नियति का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत चोट आई है उसे, अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी मम्मा को क्या हुआ अंकल? तुम्हारा अंकल नहीं हूं, मैं तुम्हारा पापा हूं, मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारा पापा, तुम्हारा पापा। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हारी मम्मा ने तुमसे ऐसा कहा था और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी मम्मा ने तुमसे ऐसा क्यों कहा था। बेटा जो भी उन्होंने कहा ना उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वक्त ने तुम्हारे मम्मा पापा के साथ बहुत बुरा मजाक किया था, तुम जानती हो आज से 6 साल पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई बेटा, मैं तो खुद को भी नहीं जानता था, तो फिर तुम्हें और मम्मा को कैसे पहचानता?
और आज जब इतने साल बाद मेरी याददाश्त वापस आई है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में बेहोश है। हाँ बेटा, मैं डुगू का भी पापा हूँ। इतने सालों से बस डुगू के मुंह से मैं पापा पापा सुन रहा था, अब तुमसे सुनना चाहता हूँ बेटा। एक बार मुझे पापा बोल दो। बोलो बेटा, ये तुम्हारे पापा है, बोलो। फिर से बोलो बेटा, पापा। मेरा बेटा। मुझे अपना अतीत याद आ गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने प्रेजेंट की जिम्मेदारियों को भूल जाऊंगा। पापा, इस वक्त नियति की हालत बहुत खराब है, वो मौत से लड़ रही है, उसे इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब नताशा को अपने साथ घर ले जाइए और हो सके तो उसे समझाइएगा।